नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत स्पेशल है, बिकॉज हमारी कंट्री की, इंडिया की जो भी टॉप मोस्ट मैथमेटिकल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट हैं, उनसे मैंने उनके रिसर्च पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन प्लेसमेंट में ना पूछे जाए दोस्तों, बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आप अंडरस्टैंडिंग गेन करोगे, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करने वाली है। तो इस लिहाज से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये TIFR दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रिसर्च पेपर से लिया गया है। 2014 में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रूल्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 5-a-side क्रिकेट कॉम्पिटिशन स्पेसिफाई दैट द मेंबर्स ऑफ ईच टीम मस्ट हैव बर्थडेज इन द सेम मंथ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स needed to be enrolled in the department to guarantee that they can raise a team of students। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जानबूझ के उसको डिफिकल्ट बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट कॉम्पिटिशन हो रहा है और 5-5 लोगों की एक टीम बनानी है। अब शर्त यह है कि जो टीम में जो 5 खिलाड़ी होंगे दोस्तों, उनके बर्थडे जो है वो सेम मंथ में आए। अब ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट बोल के सिर्फ कंफ्यूज कर दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। डिपार्टमेंट में टोटल कितने बच्चे एनरोल हों जिससे कि हम एक टीम ऑफ स्टूडेंट्स गारंटी कर सके दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम टर्म आए तो हमेशा एक बार हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं क्या इन वीडियोज में, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है क्या। तो देखते हैं दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको जनरलाइज्ड मेथड बताता हूँ। एक साल में आप बताइए कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो बर्थडे है वो सेम मंथ में लाए करें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल दिसंबर दोस्तों। तो ये टोटल 12 हमने बॉक्सेस कंसीडर कर लिए, ये 12 हमने होल्स कंसीडर कर लिए पिजन होल प्रिंसिपल के टर्म्स में बात करें तो। अब इन 12 बॉक्सेस 12 जो मंथ से इनमें स्टूडेंट को फिट करना है दोस्तों, और हमको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिट करना है सच डेट की एक टीम बन जाए स्टूडेंट की। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों हर एक होल में अभी 4-4 स्टूडेंट आप दे दो, तो 4 × 12 कितने स्टूडेंट हो गए दोस्तों, 48 स्टूडेंट्स इन टोटल हो गए, राइट। लेकिन हमको एक टीम बनानी है दोस्तों, तो किसी एक बॉक्स को 5 स्टूडेंट देने पड़ेंगे। लेट से मैंने इस बॉक्स को 5 स्टूडेंट दे दिए, यानी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी हमको लेना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो मैक्सिमम अगर हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो हम गारंटी कर सकते हैं कि एक टीम बनना ही बनना पड़ेगी। बिकॉज हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं, तो 48 स्टूडेंट्स को भी अगर हम 4-4 के बॉक्स में बिठा लेंगे, तो एक स्टूडेंट तो डेफिनेटली ऐसा होगा जिसको कोई एक बॉक्स ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से एक पर्टिकुलर बॉक्स में हमारे पास 5 स्टूडेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो मैं बोलता हूँ ये पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, तो आप हमारा पार्ट 28 और 29 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने पिजन होल प्रिंसिपल को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों। तो ये तो लॉजिक वाला मेथड हो गया दोस्तों। डायरेक्टली पिजन होल प्रिंसिपल का हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, फ्लोर ऑफ n-1/m+1=k दोस्तों। यहाँ पर n क्या था, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमको फाइंड आउट करना है। m क्या था दोस्तों, नंबर ऑफ होल्स जो कि 12 है, तो m की वैल्यू 12 है, n आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। k क्या है, एक पर्टिकुलर होल में कितने स्टूडेंट्स जो है वो बैठेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 5 है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, बाय 12+1=5 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से n-1/12 की वैल्यू दोस्तों 4 आ गई, यहाँ से n-1 की वैल्यू दोस्तों 48 आ गई, और n की वैल्यू यहाँ से 49 आ गई, यानी मिनिमम हमको 49 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे जो कि एक टीम जो है वो रेस कर सके स्टूडेंट्स की। एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स तो हमको चाहिए दोस्तों। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले में भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी हो, तो प्लीज इन दोनों पार्ट्स को आप जरूर से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को सॉल्व देखिएगा दोस्तों, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं दोस्तों।
चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर से क्वेश्चन लिया गया, 2014 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। दोस्तों चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, मैं इस इंस्टीट्यूट की फोटोज आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा और आप खुद ही एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, फोटो देखकर आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ही प्यारी इंस्टीट्यूट है दोस्तों। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर द इंटर हॉस्टल सिक्स असाइड फुटबॉल टूर्नामेंट, अगेन फुटबॉल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिक्स असाइड यानी एक टीम में छह लोग हो सकते हैं। अ टीम ऑफ सिक्स प्लेयर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 11 प्लेयर्स, तो 11 प्लेयर्स में से छह खिलाड़ियों को चूज करना है। अब इन 11 प्लेयर्स में क्या है, 5 फॉरवर्ड्स हैं, 4 डिफेंडर्स हैं, 2 गोलकीपर्स हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरी होती है, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन बॉलर विकेट कीपर होता है, इसी तरीके से फुटबॉल में फॉरवर्ड्स डिफेंडर्स एंड गोलकीपर्स होते हैं। द टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 फॉरवर्ड्स, एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स एंड एटलीस्ट 1 गोलकीपर, तो हमको चाहिए ही चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द टीम कैन बी चूजन, दोस्तों तो अगेन क्वेश्चन बड़ा बनाया गया है इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों। 11 प्लेयर्स की बात की थी तो 5 फॉरवर्ड्स थे हमारे पास, 4 डिफेंडर्स थे दोस्तों और 2 गोलकीपर थे, इस तरीके से 11 खिलाड़ी थे दोस्तों। हमको टोटल 6 खिलाड़ी चुनना है जिसमें कम से कम 2 फॉरवर्ड तो होने ही चाहिए, राइट। उसके अलावा दोस्तों 2 डिफेंडर होना चाहिए और कम से कम 1 गोलकीपर होना चाहिए, यानी टोटल 5 मेंबर्स तो हमारे पास हो ही गए दोस्तों यहाँ पर, और टोटल हमको 6 की टीम बनाना है, तो यानी एक मेंबर और चुनना पड़ेगा हमको। तो अब जो एक मेंबर हम एक्स्ट्रा चुन रहे हैं वो या तो फॉरवर्ड हो सकता है या डिफेंडर हो सकता है दोस्तों, या तो फिर वो गोलकीपर हो सकता है, राइट। तो पहला केस ले लेते हैं कि वो मेंबर जो है वो फॉरवर्ड है। अगर फॉरवर्ड है तो हमारे पास दोस्तों 3 फॉरवर्ड, 2 डिफेंडर और 1 गोलकीपर आ गया, ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो 5 में से 3 फॉरवर्ड चुन लिए दोस्तों, 4 में से 2 डिफेंडर चुन लिए और 2 में से 1 गोलकीपर चुन लिया, राइट। ये हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी थी। सेकंड केस क्या हो गया, क्योंकि केस बाय केस इसलिए बीच में एडिशन आएगा, बिकॉज एट अ टाइम एक ही केस हो सकता है, जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर था वो डिफेंडर मान लिया। तो अब हमारे पास दोस्तों 2 फॉरवर्ड हो गए, 3 डिफेंडर हो गया, 1 गोलकीपर हो गया दोस्तों। तो 5 में से 2 फॉरवर्ड, 4 में से 3 डिफेंडर दोस्तों और 2 में से 1 गोलकीपर हो गया, अगेन क्लियर है। थर्ड केस पे मूव कर जाते, थर्ड केस में हमने ये मान लिया कि जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी था वो गोलकीपर है दोस्तों, तो हमारे पास 2 फॉरवर्ड, 2 डिफेंडर और 2 गोलकीपर हो गए दोस्तों। तो 5 में से 2 फॉरवर्ड ले लिए दोस्तों, 4 में से 2 डिफेंडर ले लिए दोस्तों और 2 में से 2 गोलकीपर ले लिए, इन तीनों का आप सम निकालोगे दोस्तों तो 260 जो है वो आंसर निकल करके आने वाला है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगेन कोई भी डाउट हो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए, उसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर दीजिए दोस्तों। अगेन मैं बोल रहा हूँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की फोटोज मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो बहुत बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मैं खुद पर्सनली विजिट कर चुका हूँ दोस्तों इस इंस्टीट्यूट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट दोस्तों ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर से लिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 दैट कीप एटलीस्ट 1 इंटीजर फिक्स्ड, दोस्तों इनका मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है, दैट कीप 1 इंटीजर फिक्स्ड इन इट्स इनकरेक्ट पोजीशन होगा दोस्तों, इन इट्स करेक्ट पोजीशन, ये टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 1 से लेके 5 तक के आपको परम्यूटेशन बताना है, that keep at least one integer fixed in its correct position, दोस्तों at least एक integer जो है जो उसकी correct position पे है दोस्तों। तो again मैं बता रहा हूँ, जब भी correct या incorrect position की बात करें तो derangement को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो again derangement का concept क्या है, let's say मेरे पास 5 boxes हैं, है ना, तो boxes का number हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 और let's say 5 balls है B1, B2, B3, B4, B5, तो दोस्तों डेरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, B1 किसी भी बॉक्स में हो सकता है बट फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसे B2 किसी भी बॉक्स में हो सकता है, सेकंड में नहीं होना चाहिए, B3 किसी भी बॉक्स में हो सकता है, थर्ड में नहीं होना चाहिए, B4 किसी में भी हो सकता है, फोर्थ में नहीं होना चाहिए, B5 किसी में भी हो सकता है, फिफ्थ में नहीं होना चाहिए, यानी अपने करेक्ट पोजिशन में नहीं होने चाहिए सारे बॉक्सेस, बाकी वो किसी भी बॉक्स में हो सकती हैं। तो मैंने बोला था डेरेंजमेंट आपको जब भी याद करना, तो आप राहुल गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, डेरेंजमेंट का मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा है ना, तो जो भी सारे काम उल्टे सीधे करे वो डेरेंजमेंट हो गया दोस्तों। तो बेसिकली
जो B1 बॉल है वो करेक्ट बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, बाकी किसी भी बॉक्स में जा सकती है। इसी तरीके से B2 बॉल, B3 बॉल, B4 बॉल, B5 बॉल, पांचों बॉल्स अपने करेक्ट बॉक्सेस में नहीं जानी चाहिए, बाकी किसी भी बॉक्स में जा सकती है दोस्तों। तो डेरेंजमेंट का आपने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा था, डेरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, और मैंने आपको ये बताया भी था वीडियो में दोस्तों, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप पार्ट 27 अगर देखेंगे, 26 या 27 आई गेस पार्ट है जहाँ पे हमने डेरेंजमेंट डिस्कस किया, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वहाँ कवर किया था दोस्तों। तो अगेन दोस्तों मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप फॉर्मूला मत याद कीजिएगा, आप D1 से लेकर के D10 तक वैल्यूज याद कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, आपको परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट वन इंटीजर जो है उसको करेक्ट पोजिशन पे फिक्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंटर मेथड से डालूंगा, मैं टोटल मेथड्स में से वो मेथड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जब एक भी इंटीजर जो है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे नहीं है, नो इंटीजर इन इट्स करेक्ट पोजिशन, राइट? आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो कोई भी इंटीजर अपनी करेक्ट पोजिशन पे नहीं होगा अगर, तो वो वाले केसेस अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचेंगे कौन से केसेस? वो केसेस जब कम से कम एक इंटीजर जो है वो करेक्ट पोजीशन पे होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी एटलीस्ट वाला केस आएगा दोस्तों तो हमेशा काउंटर मेथड से चलना पड़ता है। तो एटलीस्ट वन इंटीजर को हमको करेक्ट पोजीशन पे रखना है, तो हम टोटल केसेस में वो केसेस माइनस कर देंगे जब एक भी इंटीजर करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो बचेंगे कौन से केस? जब कम से कम एक इंटीजर अपनी करेक्ट पोजीशन पे। अब पांच ऑब्जेक्ट्स है दोस्तों, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो टोटल वेज उनको अरेंज करने के, परम्यूट करने के 5 फैक्टोरियल, माइनस कोई भी इंटीजर अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये डेरेंजमेंट हो गया। तो डेरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दोस्तों, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 माइनस डेरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, D5 की वैल्यू दोस्तों 44 है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 76 जो है वो हमारा आंसर निकल करके आने वाला, ऑप्शन बी दोस्तों। तो अगेन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं ये हमारे इंडिया की, अगर आपको मैथमेटिक्स में PhD इन रिसर्च करने का मन हो तो ये इंस्टीट्यूट्स बेस्ट हैं दोस्तों। और मैं आपको पर्सनली एक चीज बताना चाहता हूँ, इन सारे इंस्टीट्यूट्स के जो रिसर्च पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के, वो मैं ऑलमोस्ट सारे रिसर्च पेपर पढ़ के सॉल्व कर चुका हूँ। तो मैंने सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम्स ली हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, बिकॉज इन रिसर्च पेपर में ऐसी ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो आपका भेजा घुमा सकती थी दोस्तों, राइट? तो सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम ली है। तो अगर आपको सच में मैथमेटिक्स की रियल अंडरस्टैंडिंग गेन करना है तो आप इन वीडियोस को, इन रिसर्च पेपर्स को जरूर रेफर करें, गूगल पे और इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एंड टेंशन नहीं लें, आपके बाल आइंस्टाइन जैसे सफेद नहीं होंगे दोस्तों, तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। एंड देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको बोला था, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की इमेज है दोस्तों, मैं बहुत सारे ओलंपियाड्स एंड इंटरनेशनल लेवल के मैथमेटिक्स के एग्जाम्स दे चुका हूँ। तो ऐसे ही एक एग्जाम जो है वो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में कंडक्ट हुआ था, तो मैं गया था उस एग्जाम को देने के लिए दोस्तों, और बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं दोस्तों। तो जब भी कभी मौका मिले कोई भी मैथमेटिक्स का ओलंपियाड अटेंड करने का, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का, तो जरूर से कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज मैथमेटिक्स इज फन, है ना? एंड दोस्तों हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल है नॉलेज गेट चैनल पर, आप हमको इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए, कोई भी क्विज रिलेटेड डाउट है तो वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं दोस्तों, हमारे फेसबुक ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, कोरा पे आप हमको पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली भी मुझे रीच कर सकते हैं दोस्तों। मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंस्टाग्राम पे डेली हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू दोस्तों, जहाँ पर हम IT कंपनीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है वो इन स्टोरीज पे डालते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप कवर करते रहिए, बिकॉज अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाता हूँ और स्टोरी पे डालता हूँ। तो मेक श्योर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, और कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो बिल्कुल पूछते जाएं दोस्तों, एंड क्विज सॉल्व करते जाएं दोस्तों। हर एक एग्जाम और IT कंपनी के क्वेश्चन हम क्विज में आपको देते रहे हैं दोस्तों, तो क्विज सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स मेंशन करते रहें दोस्तों। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, जो भी मैं कोट्स लिख रहा हूँ दोस्तों वो आप कहीं पे दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं, बहुत मोटिवेट करेंगे आपको समय समय पे दोस्तों। एंड जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर जाएं और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ जाएं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो भी बेस्ट कमेंट होगा इस वीडियो का उसको अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्प्ले करने वाला हूँ दोस्तों। तो जाने से पहले लाइक और कमेंट करके जाएं, बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।